गुस्से को कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे जबरदस्त काम करता है। पांच मिनट अनुलोम विलोम, पांच बार भ्रामरी, पांच बार उद्गीत, ओ ऐसा प्रतिदिन अभ्यास करने से आपका गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्से को कम करने के लिए मेधावटी भी बहुत अच्छा कार्य करती है। यह ब्रेन के जो सिक्रेशंस हैं, केमिकल्स और हार्मोन्स के, उनको नियंत्रित करने में आपकी मदद करती है मेधावटी। जिनको नींद कम आती है उनकी नींद भी इससे अच्छी हो जाती है। गुस्सा जिनको ज़्यादा आता है उसका एक कारण नींद का कम आना भी है, दूसरा कारण उसका तनाव है, तीसरा कारण गुस्सा ज़्यादा आने का गलत आदतें। किसी को गुस्से में बात करने की आदत हो जाती है, उससे भी लोगों को गुस्सा आता है। फिर एक जग जाहिर कारण है कि जी मुझे बुरी बात पर, बुरे काम पर गुस्सा आता है। सही काम पर तो किसी को गुस्सा आता ही नहीं। खैर, गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि जो मुझे सब में देखते हैं उनको कभी गुस्सा नहीं आता है, और जो किसी दूसरे से द्वेष करते हैं वो मुझसे ही द्वेष करते हैं। इसलिए मैंने गीता के इन श्लोकों को भी कई बार आपसे कहा है कि आप बार बार गीता के इन श्लोकों का अध्ययन कीजिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर का गुस्सा कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी ये दृष्टि शुद्ध होगी, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्रिताः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान् आसुरुषि एव योनिषु आसुरिम योनिम आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य व कौंतेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। कि जो पुरुष अपने में और दूसरों में, दूसरों के देह में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराध मुखों में संसार की आसुरियों में बार बार फेंकता हूं, तो जो गुस्सा जिनको बहुत अधिक आता है उनको ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी जीव से गुस्सा कर रहे हैं, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत से किसी से भी हम गुस्सा कर रहे हैं उसमें तो ब्रह्म तत्व है, तो ये ब्रह्म द्वेष है हमारा। एक मैंने आपको योग का उपाय बताया, दूसरा मैंने आयुर्वेद का उपाय बताया, तीसरा मैंने ये आध्यात्मिक उपाय बताया आपको कि आप जब सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, वासुदेवाः सर्वम, ये सार है गीता का, ये सार है वेदांत का, ये सार है वेदों का, सब कुछ ब्रह्ममय है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म ईशावास्यम इदम सर्वम। जब सर्वत्र एक ब्रह्म दृष्टि आपकी निर्मित हो जाती है तो आपको गुस्सा नहीं आता है।